हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 13 के साथ ही हमारा पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन था चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक वो कंप्लीट हो गया था। आज हम इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सिक्वेंस एंड सीरीज़। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं और बहुत सारी लर्निंग है इसके अंदर। मतलब यूँ समझ लें कि इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट आपका कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर की कोई क्लास मिस नहीं करनी है और जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ क्लास में करवाऊँगा इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्टूडेंट सिक्वेंस एंड सीरीज़, यानी कि ये चैप्टर जो है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक है सीक्वेंस और एक है सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज़ है। तो लेट्स हैव अ लुक द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। चीज़ों की लिस्ट अगर आप बना लें तो उसको आप सीक्वेंस कहते हैं। थिंग्स मतलब यूजुअली नंबर्स आते हैं, तो अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर्स That are in order। आप order के अंदर अगर कुछ numbers को या कुछ alphabets को लिख दें तो ये कहलाती है sequence। Sequence की एक निशानी और भी है कि अगर आपको numbers के बीच में comma नज़र आए तो आप उसको sequence कहते हैं। जैसे for example 3 5 7 9 ... ये एक sequence है। क्यों? क्योंकि ये list बना दी आपने कुछ numbers की। इस sequence का जो पहला number है या किसी भी सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है उसको आप कहते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरे नंबर को आप कहते हैं सेकंड टर्म, तीसरे नंबर को आप कहते हैं थर्ड टर्म, चौथे नंबर को आप कहते हैं फोर्थ टर्म, पांचवे को फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है नंबर ऑफ टर्म चेंज होते जाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब सीक्वेंस जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस और एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? व्हेन द सीक्वेंस गोज ऑन फॉरएवर इट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस। तो ऐसी सीक्वेंस जो चलती जा रही है कभी ख़त्म नहीं हो रही उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे ये वाली सीक्वेंस मैंने लिखी थी 3 5 7 9 ... फॉरएवर जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे ये है 1 2 3 4 ... तो इस कौन सी सीक्वेंस है? ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और फिर बताता हूँ सीक्वेंस की एक निशानी और भी होती है कि नंबर्स के दरमियान में जो है वो कॉमा धरा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे ये लिखा हुआ है 20 25 30 35 ... तो ये भी कहीं पर ख़त्म नहीं हो रही, कहीं पर एंड नहीं हो रहा इसका, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 4 3 2 1 ... नहीं है और ये वन पे जाके एंड हो गया तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है। इसी तरह एक और सीक्वेंस हमने बनाई है ए बी सी डी ई। सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है नंबर्स हैं, सीक्वेंस के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। तो ए बी सी डी ई, ई के बाद ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा, ... नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये भी फाइनाइट सीक्वेंस है। तो स्टूडेंट ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन किसका? सीक्वेंस का। अब हमारे कोर्स के अंदर अब सीक्वेंस की स्टूडेंट्स बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है, एक हार्मोनिक सीक्वेंस होती है। ये तीनों ही सीक्वेंस हमारे कोर्स के अंदर है, लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो हम देखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ दैट द डिफरेंस बिटवीन वन टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉमन। अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका डिफरेंस क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, यानी कि कॉमन होता है। डिफरेंस का मतलब होता है अगर आप हर आगे वाले नंबर को अपने पीछे वाले नंबर से माइनस करें तो वो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, बराबर आ जाता है। इसको मैं अभी और डिटेल में बताऊँगा। इन जनरल वी कैन राइट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस लाइक दिस। अरिथमेटिक सीक्वेंस को जनरली हम इस तरह लिखते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D ... इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है।
वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म, जो पहला आपके पास सीक्वेंस का नंबर होता है, मैं यहाँ भी बता चुका हूँ, पहले नंबर को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और डी क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस। कैसे पता लगा डी कॉमन डिफरेंस है, देखें मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसका डिफरेंस कॉमन होता है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर माइनस पीछे वाला नंबर। अब देखें इसमें आगे वाला नंबर क्या है, ए प्लस डी, इसके पीछे वाला नंबर क्या है, ए। तो ए प्लस डी पीछे वाला नंबर ए माइनस कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको लेंगे, आगे वाला नंबर है ए प्लस टू डी, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस डी। अब आप चेक कर लें, यहाँ पर ए से ए कट गया और यहाँ पर ए से ए कट रहा है, टू डी में से डी गया, तो दोनों सूरतों में डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, डी आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन हो उसको कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। जैसे ये वाली सीक्वेंस आप देखें, पाँच में से तीन गया दो, सात में से पाँच गया दो, नौ में से सात गया दो, तो ये डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम का मतलब है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह इसको देखें, दो में से एक गया एक, तीन में से दो गया एक, चार में से तीन गया एक, तो इसका मतलब है ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह इसको देखें, बीस पच्चीस में से बीस गया पाँच, तीस में से पच्चीस गया पाँच, पैंतीस में से तीस गया पाँच, इसका मतलब है ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह इसको देखें, तीन में से चार गया माइनस वन, दो में से तीन गया माइनस वन, एक में से दो गया माइनस वन, तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस वन। बस ये ख्याल रखें कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर आगे वाले नंबर को पहले वाले नंबर से यानी कि पीछे वाले नंबर से माइनस करते हैं। चार में से तीन नहीं जाएगा, तीन में से दो निकलेगा, दो में से तीन निकलेगा, एक में से दो निकलेगा, सही है। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। अब हमें चाहिए एक ऐसा फॉर्मूला जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के हर नंबर को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल टर्म, और उसको nth टर्म भी कहते हैं, और उसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग क्या डाली है, जनरल टर्म और nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट ये होता है, टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। टी एन क्या होती है, nth टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब क्योंकि टी एन को nth टर्म भी कहते हैं और लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो आप टी एन की जगह पर लिख सकते हैं एल, स्मॉल एल। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या चीज़ है, लास्ट टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। अब हम इस फॉर्मूले की एक ही फॉर्मूला हो रहा है पूरी एक्सरसाइज 6.1 के अंदर यूज। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन थी, काम ख़त्म हो गया इसका, आगे चलते हैं। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ ताकि मैं कोने में एक फॉर्मूला लिख दूँ और फिर सारी चीज़ें जो है उस फॉर्मूले से आपको करके दिखाता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा, एल लास्ट टर्म और टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम क्या शुरू करने के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर वन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द nth टर्म ऑफ each of the following sequence, part number one, student हमें एक sequence दी है और हमें इस sequence का nth टर्म निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है।
अभी तो हमें पता है कि हम जो एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस की है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर तो मुझे नहीं पता होगा कि जो मुझे सवाल दिया गया है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का है या जियोमेट्रिक सीक्वेंस का है या हार्मोनिक सीक्वेंस का है। तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप हर सवाल को चेक करें कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या कोई और सी सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। कैसे चेक करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस? कि आपको डिफरेंस चेक करना होता है। अगर डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। चार में से दो गया, दो, छः में से चार गया, दो, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इन दोनों को चेक किया, यस ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का एक नाम और भी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहीं पर आपको AP लिखा हुआ नज़र आए या AS लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, या आप इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब पता लग गया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो हमें इसका निकालना है एनेट्रम का फॉर्मूला। एनेट्रम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको D तो मिल गया, D की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे? 2। A आपको पता है क्या, क्या बताया मैंने आपको? A जो होता है वो सवाल के अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है, जो पहला टर्म होता है उसको हम कहते हैं A। तो A हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है इस सवाल के अंदर? वो 2 आ गया। N क्या है यहाँ पर? N ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 10000 हैं, 20000 हैं या N है। तो हमने कहा क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका N कहाँ पर हो रहा है, तो हम कह देते हैं कि इसमें टोटल टर्म्स जो हैं वो N टर्म्स हैं। अब फॉर्मूला लिखें, TN इज इक्वल्स टू A आपके पास क्या है? 2 प्लस N माइनस 1, N माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाई डी, डी आपके पास क्या है? 2 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, TN इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू N, 2N, 2 वन जा 2 आ गया। TN इज इक्वल्स टू माइनस 2 से प्लस 2 कट गया, तो आपका आंसर आ रहा है 2N। ये आपका आ गया जनाब आंसर 2N, यानी कि TN जो है वो क्या आ गया इसका? 2N आ गया। अच्छा, अब जहन में एक सवाल पैदा होता है, और पैदा भी होना चाहिए। जब तक किसी स्टूडेंट के जहन में सवाल पैदा ना हो तो वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। सवाल क्या पैदा होता है हमारे जहन के अंदर कि ये जो हमारा आंसर आया है TN इज इक्वल टू 2N, ये सही आया या नहीं आया? इसको चेक करने का मेथड ये है कि हमें पता लग गया कि इस पूरी सीक्वेंस का जो जनरल फार्मूला है वो 2N है। तो अगर ये जनरल फार्मूला है इस सीक्वेंस का, तो इसका मतलब है कि ये इस सीक्वेंस के हर नंबर को सेटिस्फाई करना चाहिए। N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं N की जगह पर 1 रखूँ इस फार्मूले में, तो मुझे पहला टर्म यानी कि 2 मिलना चाहिए। देखते हैं, N की जगह रखा 1, N की जगह आ गया 1, 2 वन ज़ा 2, यस मुझे पहला नंबर मिल गया है। लेकिन अगर मैं N की जगह पर 2 रखूं तो मुझे दूसरा नंबर मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। 2 इंटू N कितना रखा है? 2, 2 टू ज़ा 4, इसका मतलब है कि मेरा आंसर सही आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, अगर मैं N की जगह पर 3 रखूंगा तो इसका मतलब है मुझे थर्ड टर्म मिलनी चाहिए। N 3 मीन्स थर्ड टर्म मिलनी चाहिए। तो क्या मुझे थर्ड टर्म मिल रही है या नहीं मिल रही? TN इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, यस 1 रखा पहली टर्म मिल गई, 2 रखा दूसरी टर्म मिल गई, 3 रखा तीसरी टर्म मिल गई। इसका मतलब है कि मेरा ये फार्मूला 100% करेक्ट है, यानी कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है। तो ये भी एक चेक करने का टूल होता है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तो आप उसको एक, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, आप चाहें तो इसको वर्बली भी चेक कर सकते थे। इस तरह N की जगह 1 रखें 2 वन ज़ा 2, ये आ गया। N की जगह 2 रखें 2 टू ज़ा 4, ये आ गया। N की जगह 3 रखें 2 3 ज़ा 6, ये आ गया। इसका मतलब है कि कोई मिस्टेक नहीं करी गई है। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? 1 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें सबसे पहले वही बात कि हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। स्टूडेंट
हमें इसके स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अगर हमने इसका स्क्वायर निकाला तो वो अर्थमेटिक नहीं बनेगा। हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको किसी सिक्वेंस में कोई कांस्टेंट टर्म नज़र आ रही है तो आप उस कांस्टेंट टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। यानी कि यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2, आगे आने वाले सब पे 2 लिखा हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए इस 2 को भूल जाते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि अगर 2 नहीं है तो ये क्या बना हुआ है, 1, 3, 5 लिखा हुआ है, 2 गायब कर दिया थोड़ी देर के लिए, दोबारा लेकर आएंगे उसको। अब चेक करते हैं कि क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं है। 3-1 2, 5-3 2, यस ये अर्थमेटिक है क्योंकि इसका डिफरेंस कॉमन है। अर्थमेटिक सीक्वेंस होती ही वो सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म को बोलते हैं ए, तो ए इसका कितना है 1, और एन तो एन ही है क्योंकि ख़त्म, ये कहाँ पे हो रही है हमें नहीं पता। तो फार्मूला क्या बनेगा, टी एन इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला है, ए, ए मेरे पास क्या है 1+n-1, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय डी, डी मेरे पास कितना है 2, तो टी एन इज इक्वल्स टू 1+2 × n 2n 2 × 2, टी एन इज इक्वल्स टू 2n 1-2, साइन ऑफ द बिगर नंबर -1 आ जाएगा। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा, अगर मैंने यहाँ लिख के छोड़ा तो एग्जामिनर इसको काट देगा। तो आप देखें, हम थोड़ी देर के लिए क्या किया था, हमने इस कांस्टेंट नंबर 2 को भूल गए थे, हमने इस 1, 3, 5 का सीक्वेंस निकाला, अर्थमेटिक सीक्वेंस का लास्ट टर्म निकाला या एनथ टर्म निकाला और आखिर में इसके ऊपर लगा दें, आप वही 2 वापस ले जाएं। जिस 2 को आप थोड़ी देर के लिए भूल गए थे उस 2 को आपने वापस लगा दिया, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब वही बात जहन में ख्याल आ रहा है कि पता नहीं ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, ये मेरा आंसर सही है या नहीं है, चेक कर लें। एन की जगह 1 रखना है तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आना चाहिए, 2 रखें एन की जगह पर क्योंकि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, अगर 2 रखें तो 3 आना चाहिए और 3 रखें तो 5 आना चाहिए, चेक करते हैं। एन की जगह 1 रखें, 2 × 2 2-1 1 1 का स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर, 2 × 4 4-1 3 3 का स्क्वायर, 2 × 3 6 6-1 5 5 का स्क्वायर, यस इसका मतलब है कि ये जो मेरा फॉर्मूला आ रहा है टी एन इज इक्वल टू 2n-1 का होल स्क्वायर, ये 100% सही आ रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है। आगे चलते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है 3, 9, 27। अब चेक कर लें कि ये अर्थमेटिक है या नहीं है। D इज इक्वल्स टू 9-3 क्या होता है 6 होता है और 20 इसका डिफरेंस निकालें आगे वाले का, 27-9 कितना होता है 18। इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस जब इसमें से इसको माइनस किया तो 6 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस किया तो 18 आ रहा है, और हमने आपसे क्या कहा कि जब तक डिफरेंस सेम नहीं आएगा उस वक्त तक हम उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस ही नहीं कह सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला क्वेश्चन फिर किस तरह होगा। स्टूडेंट ये असल में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो एक्सरसाइज है वो आगे जाके आएगी, यानी कि एक्सरसाइज 6.4 जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज का सवाल नहीं है, तो ये आप पार्ट नंबर 3 छोड़ दीजिएगा। आपको सिर्फ दिखाने के लिए पार्ट नंबर 3 लिखा है कि आपको बता दूं कि ये सवाल आप कहीं ना सोचें कि सर ने ये सवाल नहीं करवाया, ये सर को ये सवाल नहीं आता, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है ही नहीं, ये बाई मिस्टेक इस एक्सरसाइज के अंदर सवाल आ गया। ये सवाल मैं आपको अभी 1 सेकंड में करवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आपको और पूरी एक्सरसाइज अर्थमेटिक सीक्वेंस की है, तो इसलिए अभी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं पढ़ाएंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक। टू एट 26। अब ये देखना है कि क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 8-2 होता है 6 और 26-8 होता है
18, तो 6 और 18 बराबर नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी नहीं है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसका रेशो सेम होता है, हम इसके अंदर अगर कुछ काम करें, कुछ वर्किंग करें, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की शिकल में आ सकती है। कैसे? ये लिखा हुआ है 2, अगर मैं 2 की जगह पर लिखूं 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 3 होती है, 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 माइनस 1 क्या होता है? 8। इसका मतलब है कोई मसला नहीं है। 26 को मैं लिखूँ 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27, 27 माइनस 1 क्या होता है? 26। अब हम गौर से देखते हैं कांस्टेंट क्या क्या है इसके अंदर। 3 कांस्टेंट है, -1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। बाकी क्या बचा? यहाँ बचा 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये आ जाएगा एंड सो। क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? यस, बहुत ईजीली नज़र आ रहा है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? पहला नंबर है इसका 1, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? टी एन इज इक्वल्स टू ए, ए मेरे पास क्या है? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है? 1, 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया n। तो इस वाले का जो पावर था 1, 2, 3, ये अरिथमेटिक था, इसका जो nth टर्म आ रहा है वो आ रहा है n, यानी कि ये 3 सेम है, -1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, सारा कांस्टेंट था, इसको छोड़ दें। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 की पावर n माइनस 1, दिस इज आवर nth फार्मूला, ये हमारा आंसर है। चेक करवाऊँ मैं आपको? अगर मैं n की जगह पर 1 रखूँ तो पहला नंबर आना चाहिए। देखें, n की जगह पर 1 रखें, 3 की पावर 1, 3, 3 माइनस 1, 2, 3 की पावर 2, 9, 9 माइनस 1, 8, 3 की पावर 3, 27, 27 माइनस 1, 26। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 देखा था, अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं। क्या है? 1 × 2² + 2 × 3² यहाँ पर डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, (3 × 4² )। अब वही बात, देखते हैं इसका क्या बनता है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ देखूँ, ये जो 2, 2, 2 है तो कांस्टेंट है। अब देखें ये वाला 1, देखते जाएं, ये वाला 1 पहला नंबर इसका 1 है, इसका पहला नंबर 2 है, इसका पहला नंबर 3 है, एंड सो ऑन। तो 1, 2, 3 की जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी, ये मैंने अभी आपको इस वाले पार्ट में बताई है, 1, 2, 3 की अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बनती है? एन, ये आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इसका दूसरा नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है 2, फिर इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है? 3, इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है? 4, ये चल रहा है। अब इसकी हम अरिथमेटिक सीक्वेंस निकाल लेते हैं, मतलब इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका a हमारे पास क्या है? 2, और इसका d क्या है? 3 - 2 = 1, तो tn is equals to a plus n minus 1 into d, d1 है, 2 plus n minus 1, tn is equals to n, 2 minus 1 होता है n plus 1। अब आप गौर से देखें, ये जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन था, इसका जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला बना था वो बना था n डॉट, 2, 3, 4 का क्या बना था? n plus 1, तो इसको हम कर देते हैं n plus 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2, 2, 2 चल रहा है, ये आपका फॉर्मूला आ गया tn, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका आंसर हम बुक में भी चेक करेंगे, 6.1 n into n plus 1 का होल स्क्वायर, यस 100% करेक्ट फार्मूला, कोई मिस्टेक नहीं है। बट
वही बात कि आपको डाउट है कि यार पता नहीं मैंने सही काम किया है गलत किया है, आप वन पुट करें ये आना चाहिए, आप टू पुट करें ये आना चाहिए, आप थ्री पुट करें ये आना चाहिए, चेक करें वन पुट करें, यहाँ आ गया वन, ये रहा वन डॉट एन वन प्लस वन टू, टू स्क्वायर ये रहा, फिर पुट करें टू, यह आ गया डॉट ये रहा टू प्लस वन थ्री, थ्री स्क्वायर ये रहा, फिर पुट करें थ्री, ये आ गया डॉट ये आ गया थ्री प्लस वन फोर, फोर स्क्वायर ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एनेट ट्रम का फॉर्मूला 100% करेक्ट आ रहा है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सिक्स, देखते हैं पार्ट नंबर सिक्स में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is part number 6? Part number 6 है 2, 5, 10... अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या 2, 5, 10 जो है ये हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला अर्थमेटिक सीक्वेंस का या नहीं बन रहा, पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 5 - 2 क्या होता है सॉल्यूशन, 5 - 2 होता है 3 और 10 - 5 होता है 5, तो इसका मतलब है ये इस हालत में तो अर्थमेटिक नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करें, कुछ चेंजिंग करें, तो क्या ये अर्थमेटिक की फॉर्म में आ सकती है या नहीं आ सकती। देखें 2 की जगह अगर मैं लिखूं 1 स्क्वायर प्लस 1, यस 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 होता है, और 5 की जगह पर मैं लिखूँ मैं 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, बिल्कुल सही है, और 10 की जगह पर मैं लिखूँ 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 10, इसका मतलब है कि मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो 100% सही लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा पोर्शन जो है वो अर्थमेटिक की फॉर्म में आ रहा है। देखें ये तो 2, 2, 2 कॉन्स्टेंट है, छोड़ दें, ये 1, 1, 1 कांस्टेंट है, छोड़ दें, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये वाला 1 पहला नंबर, ये वाला 1 दूसरा नंबर, ये वाला 2 तीसरा नंबर, ये वाला 3 और एंड सो ऑन ये चल रहा है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि 1, 2, 3 की जो अर्थमेटिक सीक्वेंस बनती है वो क्या बनती है, एन बनती है, तो मैं लिख नहीं रहा। इसका मतलब है 1, 2, 3 का जो अर्थमेटिक बना एन बना, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, टी एन इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, यानी कि अब ये हो जाएगा n² + 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। जहन में डाउट है कि सही लिखा है गलत लिखा है, डाल दें इसके अंदर n की जगह पर 1 डालें, 1² = 1, 1 + 1 = 2, फर्स्ट टर्म आ गई, n की जगह पर 2 डालें, 2² = 4, 4 + 1 = 5, सेकेंड टर्म आ गई, 3² = 9, 9 + 1 = 10, थर्ड टर्म आ गई, इसका मतलब है फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं की है। आगे चलते हैं 7वां पार्ट, 7वां पार्ट है 1³, 5³, 9³। अब वही बात, बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस क्यूब को भूल जाते हैं, लेट्स टेक 1, 5, 9 दिस। अब चेक करते हैं कि क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं है, 5 - 1 क्या होता है 4 और 9 - 5 भी 4 होता है। देखें खाली पहले नंबर को नहीं लीजिएगा, चेक करें 5 - 1 = 4 है, 9 - 5 = 4 है, इसका मतलब है डिफरेंस सेम है। अगर आपने एक को ही माइनस कर लिया फिर तो दुनिया का हर सवाल अर्थमेटिक बन जाएगा, फिर तो मैं यहाँ भी कह देता 5 - 2 जो है वो 3 है, तो D3 आ गया, नहीं नहीं नहीं, कॉमन डिफरेंस का मतलब है हर आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करेंगे बराबर आएगा तो काम बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो खाली पहले दो नंबर को माइनस करके जान नहीं छुड़ाइएगा, 5 - 1 = 4, 9 - 5 = 4, इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक है। अगर 9 - 5 कुछ और होता, 5 - 1 कुछ और होता, तो फिर ये अर्थमेटिक नहीं होता। तो इसलिए दो को ज़रूर चेक किया करें, मैं कभी भी एक को चेक करके नहीं बता रहा आपको। इसमें ए क्या है, पहला नंबर 1, तो टी एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, टी एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इंटू एन, 4 एन, 4 - 1 = 4, तो टी एन इज इक्वल्स टू 4 एन, 1 - 4 होता है 3, 4 एन - 3 बन गया। लेकिन
हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 4n-3 नहीं होगा बल्कि होगा 4n-3 की पावर 3, क्योंकि हमने 3 को छोड़ दिया, दोबारा 3 लग दिया। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब चेक करें कि क्या हमने सही काम किया गलत काम किया। बहुत आसान है, पहले टर्म रखें, पहले टर्म के लिए n को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 4 1 4 4 3 1, 1 का क्यूब, यह आ गया 1 का क्यूब। 4 2 8 8 3 5 5 का क्यूब 5 का क्यूब, यह आ गया। 4 3 12 12 3 9 9 का क्यूब, यह आ गया 9 का क्यूब। इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, हमारा 100% सही आंसर आया। चलें अब हम करते हैं पार्ट नंबर 8, देखते हैं कि पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, 1 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स या सारे ही पार्ट्स करवा दूं। पार्ट नंबर 8 क्या है, 7.1, 9.4, 11.7 -। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक है या नहीं है। 9.4 में से माइनस कर देते हैं 7.1, चेक करते हैं। 4 में से 1 गया 3, 7 9 में से 7 गया 2, 2.3 आ रहा है। लेकिन खाली पहले को माइनस कर देना काफ़ी नहीं है, अब इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी चेक करते हैं। कॉमा 11.7 माइनस 9.4, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2। यस, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि डिफरेंस कॉमन आ रहा है जो कि है 2.3। 100% करेक्ट, ये है, ये 100% अर्थमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन खाली पहले दो को माइनस करके जान छुड़ा ली और वो अर्थमेटिक नहीं हुआ तो आपको 0 मिलेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 7.1। हैंस टी एन इज इक्वल्स टू ए मेरा क्या है यहाँ पर, 7.1 प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। डी मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2.3। तो टी एन इज इक्वल्स टू 7.1 प्लस 2.3 इंटू एन कितना होता है, 2.3 एन। 2.3 इंटू 1 क्या होता है, 2.3। अब 7.1 में से 2.3 माइनस कर दें, (4.8 + 2.3n) दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। देखते हैं कि बुक में इसने किस फॉर्म में आंसर दिया है इस पार्ट का। 6.1, 7.1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.3। स्टूडेंट बुक में इन्होंने डायरेक्ट बस यहाँ पर ला के जान छुड़ा दी है, इसको इन्होंने आंसर कह दिया है, लेकिन मैंने इसको सिम्प्लीफाई किया है। मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप सिम्प्लीफाई फॉर्म करके लिखें। अब वही बात कि ये जो हमने काम किया है ये सही है या गलत है, आप n की जगह पर 1 रखें, 7.1 आना चाहिए। देख लीजिए 4.8 + 2.3 7.1 आ जाएगा। n की जगह पर 2 रखेंगे, 4.8 + 2.3 × 2 यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलें अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर क्या है हमारे पास, 9। ये लिखा हुआ है 0, 1/3, 2/4 एंड सोन। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, या हमें अर्थमेटिक इसको बनाना पड़ेगा। देखें इसको अगर आप जो न्यूमरेटर हैं उसको अलग कर लें और डिनोमिनेटर को अलग कर लें। सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है 0, अगर मैं लिखूं 0 के नीचे 2, क्यों लिखूं मैं भी बता देता हूं आपको। देखें एक तो मैंने ऊपर वाली सीक्वेंस ले ली 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ। ऊपर वाले का हमारे पास डिफरेंस क्या है, 1 - 0 1, 2 - 1 1, इसका मतलब है डिफरेंस आ गया 1। ए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 0। तो टी एन जो फॉर्मूला बनेगा इसका वो बनेगा ए, यानी कि 0 + n-1 × d, डी है 1, 0 ख़त्म हो जाएगा, n-1 × 1 ये आ जाएगा n-1, ऊपर वाले का आ गया n-1। अब नीचे वाला,
नीचे वाले में मैंने यहाँ पर 2 क्यों रखा है, क्योंकि मैंने देखा था ये 3 है ये 4 है, तो 4-3 1 होता है, तो मुझे 1 लाने के लिए यहाँ पर 2 ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 3-2 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो 3-1 2 हो जाएगा, 4-3 1 होता है, तो ये अर्थमेटिक नहीं बनेगी। दूसरी बात, 0 के नीचे कुछ भी रख दो आंसर 0 ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी सिक्वेंस जो मैंने ले ली वो ले ली 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका मेरे पास A कितना है 2, इसका मेरे पास D कितना है 3-2 1, 4-3 1। तो इसका जो TN का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN इज इक्वल टू 2 प्लस N माइनस 1 विच इज ये बनेगा हमारे पास N प्लस 1। हैंस जो फाइनल फॉर्मूला बना ऊपर वाले का बना क्या बना था N माइनस 1, और नीचे वाले का मेरे पास क्या बना था N प्लस 1 आंसर। अब अगर मैं N की जगह पर 1 रखूं तो इस पूरे का आंसर 0 आना चाहिए। चेक करें N की जगह 1 रखें, 1-1 क्या होता है 0, 0 अपॉन समथिंग 0 आ गया। N की जगह 2 रखें, 2-1 1, 2+1 3। N की जगह पर 3 रखें, 3-1 2, 3+1 4। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर 100% करेक्ट है, क्योंकि ये पूरी सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रहा है। चलें नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अभी हमने कौन सा पार्ट किया 9, अब हम करते हैं 10। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 10। क्या है जनाब पार्ट नंबर 10? 0, 1/9, 1/7, 1/5 सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा स्टूडेंट, देखें ऊपर थ्रू आउट 1 चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए 1 को भूल जाएं, खाली नीचे वालों को ले लें 9, 7, 5 अब देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है 7-9-2। अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं कि सर बड़ा नंबर यहाँ पर है तो हम 9-7 कर दें। नहीं जनाब, हमें बड़ा नंबर नहीं देखना होता, हमें आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में से माइनस करना होता है, मतलब आगे वाले नंबर माइनस पीछे वाले नंबर। 7-9-2, 5-7-2 इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक सिक्वेंस है। इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 9, तो टी एन क्या बनेगा इसका जनाब, टी एन इज इक्वल टू माइनस 2+N-1 इंटू ए पहले आता है फॉर्मूले में, तो ये आ गया 9 9+N-1 इंटू डी। डी कितना आ रहा है 2, तो टी एन इज इक्वल टू 9-2+-2N-2 तो टी एन इज इक्वल टू 9+2 होता है 11 11-2N 11-2N इसका आंसर आ गया, बट दिस इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं इसको कि ऊपर हमने क्या लिया था 1 1 1 को छोड़ दिया था, तो आखिर में हमारे पास 1 1 1 दोबारा लगा दें 1/ इसका हमारे पास कितना आया था फॉर्मूला 11-2N। सो द फाइनल आंसर इज टी एन इज इक्वल टू 1/11-2N। अब वही बात बार बार मैंने रिपीट करी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चेक करने के लिए 1 रखेंगे 1/9 आना चाहिए, 2 रखेंगे 1/7, N की जगह पर 3 रखेंगे 1/5। चेक करें 1 रखें, 2 1 2 2 1 2 11-2 9, 2 2 4 11-4 7, 2 3 6 11-6 5। इसका मतलब है ये 100% करेक्ट आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टोटल 11 पार्ट हैं, हमने सारे पार्ट कर लिए। ए प्लस एक्स होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा ए माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब इसका कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले एक काम कर लें, सबसे पहले हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक करते हैं,
आगे वाला नंबर क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पीछे वाला नंबर ये पूरा है, तो ये सब माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने माइनस की साइन डाल के ब्रैकेट नहीं डाली, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब चेक करें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस टू ए एक्स। लेकिन अभी मैं कंप्लीटली नहीं कह सकता कि ये अर्थमेटिक है नहीं, एक और चेक करना पड़ेगा। अब इस आगे वाले में से ये पीछे वाला कर दें, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक करते हैं, ये ए स्क्वायर से कट गया, एक्स स्क्वायर से कट गया, ये आ गया माइनस टू ए एक्स। हैंस वी कैन से, क्योंकि दोनों का डिफरेंस माइनस टू ए एक्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक सिक्वेंस है, 100% है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका एनथ का फार्मूला कैसे निकालेंगे, उसके लिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लगा देते। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, ए लिखना। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको खोल गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। डी हमने निकाल लिया, ये लिखा हुआ है हमारे सामने, माइनस टू एक्स। तो फार्मूला क्या बनेगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए, ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इन टू डी। डी हमारे पास क्या है, माइनस टू ए एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करेंगे ताकि ये एक प्रॉपर शेप में आ जाए। क्या सिम्प्लीफिकेशन होगी इसकी, देखें, टी एन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस टू ए एक्स को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू ए एक्स एन, माइनस माइनस प्लस, टू ए एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू ए एक्स। तो टी एन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टू ए एक्स और ये टू ए एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर ए एक्स और माइनस टू ए एक्स एन। सो टी एन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स और टू ए एक्स, में हम टू ए एक्स को बाहर ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा टू ए एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा, टू माइनस टू ए एक्स बाहर आ चुका है तो ये बचेगा टू माइनस एन, आंसर आएगा। और इसके लिए भी वही फाइनल बात बोलूँगा कि सेटिस्फाई आपको करना है कि ये सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आप चेक कर लें, एन की जगह पर वन रखें, टू माइनस वन वन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इसको खोलते हैं तो वही आता है। टू रखें, टू रखें तो ये टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो, तो खाली क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए आपके सामने। तो इसका मतलब है कि ये 100% सही फॉर्मूला आपने लिखा है। दैट्स इट, ये हमारे था क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन के मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए, एक पार्ट यूँ नहीं करवाया कि वो अर्थमेटिक सिक्वेंस का था ही नहीं, वो तो ज्योमेट्रिक सिक्वेंस का था। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब ये सारे सवाल आपने, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सारे सवाल आपने आप खुद करने होंगे, जभी तो आप अच्छे बनेंगे कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर टू। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म्स, पार्ट नंबर वन। ये तो क्वेश्चन नंबर वन के मुकाबले में बे इंतहा ईजी है। क्वेश्चन नंबर वन में हमने क्या किया था, जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाया था डिफरेंट सिक्वेंसेस की हेल्प से।
क्वेश्चन नंबर टू में हमने क्या करना है, जनरल फार्मूला दिया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है। तो कैसे फर्स्ट थ्री टर्म निकलेंगी, आप एन की जगह पर वन रखें पहली टर्म आ जाएगा, टू रखें दूसरा, थ्री रखें तीसरा टर्म आ जाएगा। ये देखें सोल्यूशन, आप एन की जगह पर वन रखें, टू की पावर वन, टू टू माइनस वन, ये पहला टर्म आ गया। एन की जगह पर टू रखें, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन थ्री, एन की जगह पर थ्री रखें, टू की पावर थ्री, एट एट माइनस वन सेवन, ये हो गया, ये आ गया फर्स्ट जो है वो थ्री टर्म्स आ गई, वन थ्री सेवन आपके पास आंसर आ गया इसका। यस, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ एन की जगह पर वन रखना है, फिर टू रखना है, फिर थ्री रखना है। तो मैं आपको ये पार्ट्स एक आध पार्ट और करवा देता हूँ मैं आपको, या आप सारे पार्ट्स खुद कर सकते हैं। माइनस वन की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, पहले एन की जगह पर वन रखें, माइनस वन की पावर वन अपॉन वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर माइनस वन हो जाएगा, और वन स्क्वायर वन होता है तो आंसर आ जाएगा माइनस वन। अब आप रखें माइनस वन के ऊपर टू, और टू का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, टू का स्क्वायर फोर, तो ये आपके पास वन अपॉन फोर आ गया। फिर आप रखें माइनस वन की पावर थ्री, और थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन नाइन। तो तीन टर्म्स क्या आ गई, पहली आ गई माइनस वन, दूसरी आ गई वन अपॉन फोर, तीसरी आ गई माइनस वन अपॉन नाइन। तो देखा आपने, सिर्फ एन की जगह पर वन टू थ्री रखना। तो ये स्टूडेंट्स आप खुद कर लीजिएगा सारे पार्ट्स, एक पार्ट मैं आपको खाली और करवा देता हूँ, फिर हम जो है वो देखते हैं आगे हमें आज काम करना चाहिए नहीं। पार्ट नंबर सेवन देखें, आपको क्या करना है, वही थ्री टर्म निकालनी है। एन की जगह वन रखें, सिक्स वन ज़ा सिक्स माइनस फाइव वन, एन की जगह पर टू रखें, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन, थ्री रखें, सिक्स थ्री ज़ा एटीन माइनस फाइव थर्टीन, और आंसर। तीन से आगे नहीं जाना क्योंकि उसने बोला फर्स्ट थ्री टर्म्स, ये आपको याद रखना। दैट्स इट स्टूडेंट, दिस इज़ आवर टूडेज क्लास। आज हमने नया चैप्टर शुरू किया 6.1, इब्तदा आज हमारी बहुत अच्छी हुई है कि हमने आपको कम्प्लीट समझाया कि सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, और अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। आपने देखा ये इस एक फॉर्मूले से, अब तक मैं सारे ही सवाल एक फॉर्मूले से कर रहा हूँ। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, जिसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 14, ये सारे के सारे सवाल इसी 6.1 से ही होंगे। आप देख लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे लेकिन फार्मूला यही लगेगा। तो इस एक्सरसाइज का जो की पॉइंट है वो है फार्मूला 6.1। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास, और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, बहुत बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से इत्मीनान से ख़त्म करें। सेकंड थिंग स्टूडेंट ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। स्टूडेंट मेरी वीडियोस को न सिर्फ आप पूरा देखें, उससे प्रैक्टिस करें, और अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस शेयर भी करें, और फिर ग्रुप स्टडी करें, कंबाइंड स्टडी करें, आप और आपके दोस्त मिलकर साथ में मेरा लेक्चर को देखें, और आप देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।